हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमैटिक पॉपकॉर्न। और आज जो मैं मूवी आपके लिए लेकर आई हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस मूवी में आपको थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर, मिस्ट्री सभी चीज़ें मिलेंगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है, जिसका नाम डाइनी होता है। और वो हॉस्पिटल गई होती है अपनी डिलीवरी के लिए, जहां डॉक्टर उसे उसके प्रीमेच्योर बेबी से मिलवाते हैं, जिसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और उसके बाद हमें मूवी में एक डार्क सीन दिखाया जाता है, जिसमें कई सारी डिजीज़ के बारे में भी बताया जाता है, जैसे एर्थीनिया, हेमोक्रोमेसिस, अस्थमा, डायबिटीज़, पैरालिसिस। इस छोटे से एक्सप्लेनेशन के बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें 18 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर डाइने अपनी मंथली पेरेंट मीटिंग अटेंड करती हुई दिखाई जाती है। और उसके साथ ही साथ वहां पर मौजूद सभी मॉम, जिनके बच्चे अब कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं, वे सभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हैं। और जब डाइनी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो अपनी बेटी, जिसका नाम क्लोए होता है, उसके लिए वरी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ब्रेव है। और उसके बाद हमें डाइनी और क्लोए दिखाए जाते हैं, जहां पर डाइनी अपनी बेटी को होम स्कूलिंग कराती है, क्योंकि क्लोए उन सारे डिजीज़ों से सफ़र कर रही होती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। अब क्लोए को इतनी सारी डिजीज होने के कारण उसे मेडिसिन की काफ़ी हैवी डोज खानी पड़ती थी, और वो हमेशा आने जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती थी। अब चूंकि क्लोए काफ़ी इंटेलिजेंट थी, तो उसे साइंस, टेक्नोलॉजी और होम अप्लायंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, और शायद इसीलिए वो कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती है। इसके लिए उसने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी किया था, पर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता है। क्लोए की मॉम क्लोए की हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस और केयरफुल रहती है, शायद इसीलिए वो उसकी हर एक चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखती है। उसकी डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए उसकी मॉम हमेशा उसको एक या दो ही चॉकलेट देती है, इससे ज़्यादा नहीं। पर एक दिन क्लोए अपनी मॉम के बैग से चॉकलेट चुराने जाती है, जहां पर उसे ग्रीन एंड वाइट कलर की एक ड्रग या मेडिसिन दिखती है, जिस पर डाइने का नाम लिखा होता है। जनरली इस तरीके के ड्रग्स या मेडिसिन उसी के नाम पर इशू होते हैं जिन्होंने इसे ख़रीदा होता है, किसी और के नाम पर इसे ख़रीदना इल्लीगल होता है। और जब क्लोए की मॉम उसे मेडिसिन देने जाती है, तो उसे बताती है कि हमारी फैमिली डॉक्टर ने मेडिसिन में कुछ चेंजेस किए हैं और अब से तुम्हें यही मेडिसिन खानी पड़ेगी। इस पर क्लोए कहती है कि पर मॉम, ये तो आपकी मेडिसिन है, क्योंकि इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं बेटा, ये मेरी मेडिसिन नहीं है, हो सकता है गलती से इस पर मेरा नाम प्रिंट हो गया है। क्लोए अपनी मॉम से मेडिसिन ले तो लेती है, पर अभी भी उसको ये डाउट होता है कि ये मेडिसिन उसकी नहीं बल्कि उसकी मॉम की है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्लोए व्हीलचेयर पे होती है और वो अपने होममेड टूल से उसी मेडिसिन को उठाती है और फिर से एक बार उस मेडिसिन का एग्जामिन करती है। और यहां पर उसे उस मेडिसिन का रियल नेम पता चलता है। उस मेडिसिन का नाम ट्राइगोक्सिन होता है और उस पर लगा हुआ लेबल भी काफ़ी फेक होता है। और जब उस रैपर को वो हटाती है, तो उस पर भी डाइने का नाम लिखा होता है, जिसे देखते ही वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जो वो मेडिसिन लेने जा रही है वो सही है या नहीं। इसीलिए जब दोबारा उसकी माँ उसे वो मेडिसिन देने आती है, तो वो उसे खाने का नाटक करती है। और जब वो नोटिस करती है कि उसकी माँ सो चुकी है, तो आधी रात को वो उसी मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने के लिए जाती है। पर ये काफ़ी स्ट्रेंज होता है, क्योंकि इंटरनेट बंद होता है, इंटरनेट नहीं आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी माँ छिप कर ये सारा नज़ारा देख रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डाइनी गार्डनिंग कर रही होती है, तब क्लोए लोकल फार्मेसी पे फ़ोन करती है, और लोकल फार्मेसी की ओनर उस नंबर को देखते ही पहचान जाती है, और वो क्लोए को डाइने समझने लगती है, जिस पर क्लोए तुरंत फ़ोन कट कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कुछ भी पता चले।
और एक बार फिर से वो फार्मेसी का नंबर डायल करती है, पर जब उसे पता चलता है कि उसकी कॉल चार्ज होगी तो वो तुरंत फोन कट कर देती है। एज अ लास्ट ऑप्शन क्लोई एक अननोन नंबर डायल करती है जिसे एक आदमी उठाता है, और उसका और उसकी वाइफ के साथ काफी तगड़ा झगड़ा हो रहा होता है जिसकी आवाज फोन पर काफी लाउडली आ रही थी। और क्लोई जब उस मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में उस आदमी से पूछती है तो वो आदमी उल्टा उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और फोन कट करने के लिए बोलता है, पर क्लोई उसे अपनी बातों में कन्विंस कर लेती है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि ट्राइगोक्सिन एक रेड कलर की पिल होती है जो ज्यादातर दिल की गंभीर बीमारियों के लिए यूज की जाती है जैसे एट्रियल हार्ट फेलियर एक्सेट्रा। क्लोई ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग क्लोई अपनी मॉम को मूवी देखने के लिए इंसिस्ट करती है, जिस पर उसकी माँ मान जाती है और वो दोनों एक साथ एक मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पर क्लोई वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से भाग निकलती है और वो उस मल्टीप्लेक्स के सामने वाली फार्मेसी में जाती है और लाइन कट करके क्लोई सीधा फार्मासिस्ट के पास जाती है और उसे उसी ग्रीन टैबलेट के बारे में पूछती है। ये वही फार्मेसी होती है जहाँ से डायने सारी मेडिसिन लिया करती थी, इसलिए वो फार्मासिस्ट क्लोई और डायने को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। इसलिए वो कहती है कि अगर ये तुम्हारी माँ की मेडिसिन है तो सॉरी, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर हो सकता है। इस पर क्लोई झूठ बोल देती है और वो कहती है कि वो और उसकी माँ एक गेम खेल रहे हैं जिसमें उसे इस मेडिसिन के बारे में पता करने का टास्क मिला है। इस पर फार्मेसिस्ट अग्री हो जाती है और वो बताती है कि इस मेडिसिन का नाम ट्राइगोक्सिन नहीं है, बल्कि इस मेडिसिन को तो डॉग्स के लिए यूज किया जाता है, उनके लेग पेन रिलीफ के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, शायद तुम्हारी मॉम ने इसे डॉगी के लिए परचेज किया हो। और इतने में वहाँ पर डायने आ जाती है उसे ढूंढते हुए, जिस पर क्लोई काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाते हुए फार्मेसिस्ट से पूछती है कि क्या होगा कोई इस मेडिसिन को कंज्यूम करे। इस पर फार्मेसिस्ट काफी सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि इससे पैर सुन्न पड़ सकते हैं और वो इंसान पार्शली पैरालाइज्ड भी हो सकता है। और इतना सुनते ही क्लोई को पैनिक अटैक आने लगता है क्योंकि उसे पता था कि उसके घर पे कोई भी डॉग नहीं है और वो इतने सालों से एक डॉग की मेडिसिन खा रही है और वो भी अपनी मॉम के हाथों से। और इतने में डायने वहाँ आकर क्लोई को एक इंजेक्शन लगाती है जिससे वो बेहोश होने लगती है। इसके साथ ही साथ वो फार्मेसिस्ट पे गुस्सा भी करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी चीजें उसी की वजह से हो रही है। और अब डायने क्लोई को उसके रूम में लॉक कर देती है और उसके बाद फार्मेसिस्ट को फोन मिलाकर उसे सॉरी भी बोलती है और उसे कहती है कि जब से डॉक्टर ने इसकी मेडिसिन चेंज की है तब से क्लोई कुछ मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और उसके बाद डायने अपने फैमिली डॉक्टर को एक एंग्री नोट लिखती है पर वो उसे सेंड नहीं करती है। फिर वो हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन के बारे में नेट पे सर्च करती है और उससे रिलेटेड कुछ सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। और उधर क्लोई उठ जाती है और ये नोटिस करती है कि उसका रूम लॉक्ड है, इसलिए वो अपनी शोल्डरिंग मशीन की वायर की लेंथ को लंबा करने के लिए और कई सारी वायर और एक्सटेंशन का यूज करती है और अपने मुंह में पानी भर के वो विंडो से बाहर निकलती है। और एज उसके पैर काम नहीं कर रहे होते हैं तो वो उस छत पे रेंगते हुए अपनी दूसरी विंडो तक पहुँचती है। फिर एक रॉड की हेल्प से वो विंडो के ग्लास को हीट करती है और मुंह में रखे पानी को उस पर थूक देती है जिससे वो ग्लास टूट जाता है और वो जैसे तैसे करके रूम के अंदर एंटर करती है। वहीं पर उसे अस्थमा अटैक भी होने लगता है। अस्थमा अटैक के कारण उसे काफी हैवी ब्रीदिंग होने लगती है, पर जैसे तैसे रेंगते हुए वो अपने रूम तक पहुँचती है और वहाँ पहुँच कर वो इनहेलर यूज करती है। उसके बाद वो कुछ मिनट तक रेस्ट करती है। फिर क्लोई अपनी व्हीलचेयर की हेल्प से नीचे जाने का सोचती है। एक्चुअली क्लोई का रूम फर्स्ट फ्लोर पर होता है और व्हीलचेयर से आसानी से नीचे आने के लिए उसके घर में एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी होती है, पर डायने ने घर से जाते वक्त उस लिफ्ट की सारी वायर्स काट दी थी क्योंकि वो किसी भी तरीके का कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। और बेचारी क्लोई एक रिस्क लेते हुए अपनी व्हीलचेयर के साथ फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा देती है जिससे उसके बैक पे काफी चोट आ जाती है, पर वो नोटिस करती है कि फर्स्ट टाइम उसके पैर मूव कर रहे हैं।
फिर बड़ी मुश्किल से वो व्हीलचेयर पे बैठती और घर से बाहर निकल जाती है। रोड पर क्लोई को वही पोस्टमैन मिलता है जो रेगुलरली उसकी यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन पोस्ट किया करता था। वो पोस्टमैन को सारी बातें बताती है और पुलिस के पास जाने के लिए कहती है, बट फॉर हर बैड लक डाइनी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो पोस्टमैन को अपनी बातों में कन्विंस करने लगती है और उससे भी झूठ बोलती है कि मेडिसिन चेंज होने की वजह से शायद ये ऐसा बिहेव कर रही है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इस पर पोस्टमैन मान जाता है और वो जैसे ही डॉक्टर के पास जाने के लिए मुड़ता है, डायने पीछे से इंजेक्शन लगा देती है। अब वो क्लोई को भी बेहोश करके घर के बेसमेंट में लॉक कर देती है और अब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी व्हीलचेयर एक चेन से बंधी हुई है और उस बेसमेंट में कई सारी पुरानी फाइल्स, आइटम और एक कुकिंग काउंटर भी होता है। क्लोई को वहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज के एक्सेप्टेंस लेटर्स भी मिलते हैं जो डाइनी ने अभी तक छुपा कर रखे हुए थे। डाइनी हमेशा से क्लोई से झूठ बोलती थी कि यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटर नहीं आया है और वहीं पास में रखे एक बॉक्स से डाइनी की रियलिटी पता चलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, डाइनी के कुछ डार्क सीक्रेट्स थे जो अभी तक उसने क्लोई से छुपा कर रखे थे। एक्चुअली डाइनी का रियल बेबी पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही मर गया था और डाइनी ने उसी हॉस्पिटल से एक न्यूबॉर्न बेबी को चुरा लिया था। उस बेसमेंट में न्यूज़पेपर के कई सारे कटिंग्स भी थे जहाँ पर क्लोई के ओरिजिनल पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे थे और वहाँ पर क्लोई का एक पिक्चर भी होता है जिसमें क्लोई के पैर एकदम ठीक होते हैं, जिसे देखकर क्लोई काफी शॉक्ड रह जाती है। और अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि डाइनी उसकी रियल मॉम नहीं थी। और उधर डाइनी पोस्टमैन को मार कर सीधा बेसमेंट में आती है जहां पर क्लोई उसे कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि क्या सच में मेरी तबीयत कभी खराब थी। इस पर डाइनी उसे इंसिस्ट करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखा है। अब डाइनी अपने साथ में लाए न्यूरोटॉक्सिन के कुछ इंग्रेडिएंट्स को होममेड तरीके से मिक्स करना चाहती थी और वो उसे क्लोई की बॉडी में इंजेक्ट करना चाहती थी जिससे क्लोई की मेमोरी लॉस हो जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि क्लोई सब कुछ भूल जाए। पर क्लोई उसकी एक नहीं सुनती और रेंगते हुए वो अपने आप को एक स्टोर रूम में बंद कर लेती है और स्टोर रूम में रखे कीटनाशक को वो पी लेती है। अब डाइनी को क्लोई को बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता है और अब डॉक्टर क्लोई के स्टमक से सारा केमिकल पंप करके बाहर निकाल लेते हैं और उन्हें लगता है कि क्लोई ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, इसलिए वो क्लोई को हॉस्पिटल में कुछ दिन रखने की बात भी कहते हैं। और जब क्लोई को होश आता है तो वो पास में खड़ी नर्स से लिखने के लिए पेन और पेपर मांगती है, पर जब तक वो उसे कुछ बताती तब तक नर्स को एक इमरजेंसी आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और जब डाइनी उसके रूम में आती है तो वो क्लोई के सारे पाइप्स निकाल कर एक बार फिर से उसे किडनैप करके हॉस्पिटल से ले जाने लगती है। और नर्स जब वापस आती है तो उसे क्लोई का लेटर मिलता है जिस पर मॉम लिखा होता है। इसे नर्स को कुछ शक होता है, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देती है। वहीं दूसरी ओर क्लोई काफी वीक होती है, इसलिए चाहकर भी वो कुछ नहीं बोल पाती और डाइनी उसे एस्केलेटर के पास तक ले जाती है, पर अफसोस वो बंद होती है, इसलिए डाइनी उसे दूसरी ओर से ले जाने की कोशिश करती है। पर क्लोई अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हीलचेयर को रोक लेती है क्योंकि उसे उसके पैरों में कुछ सेंसेशन मिल रही थी, इसीलिए वो ऐसा कर पा रही थी। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो डाइनी को अपनी गन नीचे करने के लिए बोलते हैं, पर वो ऐसा नहीं करती, जिस पे गार्ड्स उसे शूट कर देते हैं और डाइनी फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती है। और अब मूवी में हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोई शादीशुदा थी और उसे एक बेबी भी था। उसने अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया था, उनके साथ वो काफी ज्यादा खुश भी थी। और अब क्लोई जेल के एक करेक्शन फैसिलिटी में जाती है जहां पर डाइनी लॉक थी और वो डाइनी को सारी स्टोरी बताती है जहां पर वो उन्हीं पिल्स को लेकर आई थी जो कभी डाइनी उसे खिलाया करती थी। और अब क्लोई डाइनी को वही पिल्स जबरदस्ती खिलाने लगती है। एक्चुअली यहां पर क्लोई भी डाइनी को पैरालाइज रखना चाहती थी जैसा कि डाइनी ने उसके साथ किया था। और फ्रेंड्स यहीं पर मूवी एंड। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मूवी का मज़ा यूं ही पॉपकॉर्न के साथ लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।